नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। नोएडा में हुई डकैती की हम आपको सिलसिलेवार जानकारी दे रहे हैं। दूसरी तरफ इस डकैती के लिए जिम्मेदार रिटायर नौकर शाह मोहिंदर सिंह और रमा रमन पर प्रवर्तन निदेशालय शिकंजा कस रहा है। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे मोहिंदर सिंह ने कानून को ताक पर रखकर मनमानी की। अब हम आपको बताएंगे कि मोहिंदर सिंह की डकैती में शामिल बिल्डरों ने कैसे अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। हमारी पड़ताल में कई रियल एस्टेट कंपनियों की कारगुजारी सामने आई है, इनमें गुलशन होम्स बिल्डर भी शामिल है। एक मामूली सी कंपनी ने अरबों रुपए का हेरफेर किया है। गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 3 प्लॉट का आवंटन साल 2009-10 के दौरान किया गया। कंपनी उन भूखंडों पर आज तक रियल एस्टेट एक्टिविटीज चला रही है। इन भूखंडों का आवंटन 357 करोड़ रुपए में किया गया था। बड़ी बात यह है कि उस समय गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड की कुल नेटवर्थ केवल 15 करोड़ रुपए थी। इन प्लॉट्स का अलॉटमेंट हासिल करने के लिए कंपनी की जरूरी नेटवर्थ कम से कम 225 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी नेटवर्थ के मुकाबले 24 गुना ज्यादा लाभ उठाया। इन तीन भूखंडों को बाद में 6 छोटे छोटे हिस्सों में बंटवाया गया, जिससे प्रॉपर्टी की कीमत और बढ़ गई। मोहिंदर सिंह के राज में बिल्डरों ने किस तरह अंधेरगर्दी की, गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड उसकी एक वानगी भर है। नोएडा के सेक्टर 77 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट लेने के लिए यह कंपनी योग्य नहीं थी, लिहाजा एक चोर रास्ता बनाया गया। एक संघ यानी कंसोर्टियम का गठन किया, जिसके लिए बनाई गई स्पेशल पर्पज कंपनी में 6 कंपनियां एक्सप्रेस बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, HR ओरेकल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, CVTech डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्रवाल एसोसिएट्स प्रोमोटर्स लिमिटेड और सन ग्लो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हुई। नोएडा अथॉरिटी ने 31 मार्च 2010 को इस कंसोर्टियम को प्लॉट का आवंटन कर दिया। पूरे कंसोर्टियम की नेटवर्थ 88.81 करोड़ रुपए थी। अब मामले को जरा गौर से समझिएगा, थोड़ा पेचीदा है लेकिन समझ गए तो मजा आएगा। भूखंड आवंटन के बाद असली खेल शुरू हुआ। अगले एक साल के भीतर 3 बड़ी कंपनियां कंसोर्टियम से बाहर निकल गईं। इस कंसोर्टियम में सबसे बड़ी कंपनी अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लिमिटेड थी, जिसकी नेटवर्थ 47.83 करोड़ रुपए थी। इस कंपनी की नेटवर्थ में हिस्सेदारी 53.86% और प्लॉट में केवल 10% रखी गई। अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लिमिटेड 19 सितंबर 2011 को कंसोर्टियम से बाहर हो गई। कंसोर्टियम की दूसरी बड़ी कंपनी गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसकी नेटवर्थ 15.47 करोड़ रुपए थी। कंसोर्टियम की नेटवर्थ में हिस्सेदारी 17.42% थी, लेकिन प्लॉट में हिस्सेदारी केवल 10% थी। गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड 28 जुलाई 2011 को कंसोर्टियम से बाहर चली जाती है। तीसरी हिस्सेदार कंपनी सन ग्लो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ 14.25 करोड़ रुपए थी। लिहाजा कंसोर्टियम की नेटवर्थ में 16.05% हिस्सेदारी थी, लेकिन प्लॉट में इस कंपनी की भी हिस्सेदारी केवल 10% थी। यह कंपनी 30 सितंबर 2011 को कंसोर्टियम से बाहर चली गई। इस तरह 87.27% नेटवर्थ की हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियां कंसोर्टियम से बाहर चली गई थीं। अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। 88.81 करोड़ रुपए नेटवर्थ वाले कंसोर्टियम से बाहर जाने वाली तीनों कंपनियों की नेटवर्थ 77.22 करोड़ रुपए थी। इस तरह अरबों रुपए की कीमत वाला यह प्लॉट महज 11.59 करोड़ रुपए नेटवर्थ वाली तीन छोटी छोटी कंपनियों एक्सप्रेस बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, HR ओरेकल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और CVTech डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास रह गया। कुल मिलाकर यह कंसोर्टियम जमीन की लूट करने के लिए बनाया गया था। गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्रवाल एसोसिएट्स लिमिटेड और सन ग्लो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से अपने क्रेडेंशियल्स उधार देकर आवंटन को सुविधाजनक बनाने के लिए कंसोर्टियम में शामिल हुए थे। काम पूरा होने के बाद बाहर निकल गए। इन निष्कर्षों और प्रवर्तन निदेशालय की जांच को देखते हुए हमने गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया।
कंपनी को 3 बार ईमेल भेजा गया। हमने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं, कंपनी की ओर से जवाब नहीं दिया गया है। हमने उनसे पूछा कि आप कंसोर्टियम से बाहर कैसे निकले, कंसोर्टियम के गठन के पीछे मंशा क्या थी, पूरे कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये सारी कंपनियां कॉरपोरेट मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड हैं। आपको क्या लगता है गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड और अग्रवाल एसोसिएट्स के सर्वे सर्वा लोगों ने कंसोर्टियम से बाहर निकलकर अरबों की जमीन छोटी छोटी कंपनियों को यूं ही सौंप दी? इन कंपनियों को चलाने वाले यही नहीं रुके, इन लोगों ने जमीन हासिल करने के लिए कानूनों को जैसे चाहा वैसे तोड़ा। यह कंपनी 3C बिल्डर के साथ धोखाधड़ी में शामिल है, जिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मोहिंदर सिंह और रमा रमन के खिलाफ जांच कर रहा है। उस घोटाले में भी इस कंपनी के तार जुड़े हुए हैं। हम यह जानकारी जल्दी आपके सामने रखेंगे। हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश सरकार और औद्योगिक विकास विभाग नोएडा अथॉरिटी से जानकारियां मांगी हैं। आखिरकार इस आर्थिक धोखाधड़ी पर अब तक क्या किया? बेधड़क होकर देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने व्यू और ओपिनियन जरूर लिखिए। नमस्कार। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।